लाहौर से, तुम अपना नंबर जरा छोड़ो मेरे मास्टर कंट्रोल रूम में, ठीक है? हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा एक और कॉल फौरन लेते हैं, लेकिन देखें कितनी बड़ी बात है कि प्रोग्राम की वजह से, पता नहीं बस अल्लाह में अगर रहम वो है कि उस बच्चे ने, इस लड़के ने इस वक्त जो कॉल की, कितनी उससे कॉल की होगी कि इसने अपनी इतनी बड़ी चीज शेयर की कि मुझे लगता है कोई बंदा मेरे साथ है और मेरे को टच कर रहा है इस तरह। अच्छा, से ना बेसिकली होता ही है, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत हिम्मत करके एंड गुड फॉर यू। ये बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया ही है। शिज़ोफ्रेनिया में 5 किस्म के हेलुसिनेशन होते हैं। ये जो हेलुसिनेशन, इनको ये कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन कहता है, टच का। नॉर्मल हेलुसिनेशन होता है विजुअल और ऑडिटरी, या तो आवाज सुनाई देती है आपको, या आपको लगता है कि वो आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे देख रहा है वगैरह। तो दो हेलुसिनेशन कॉमन है, कैनेस्थेटिक कम है कॉमन, मगर इनको कैनेस्थेटिक होता है। कैनेस्थेटिक इज वेरी, बहुत तकलीफ दे होता है, बिकॉज आपको लगता है कि वो वजूद आपको टच कर रहा है। चले ऑन अ लाइटर साइड, अगर फीमेल टच करे तो ठीक है, टच भी मेल कर रहा है उसको। ये मैंने इसलिए पूछा कि बड़ा जरूरी है। प्लस ये भी पूछा कि जी कोई मौलवी साहब या कोई आलम दीन साहब ने रब्ता किया, बिकॉज यू सी वी नीड टू मेक श्योर कि उन चीजों का भी वजूद है दुनिया में। आई थिंक साइकियाट्रिस्ट एट द सेम टाइम। इसी एक चीज याद रखिए, नेवर ओवर रूल द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो। हमेशा इलाज मुकम्मल होना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, तो उसमें वो आलिम दीन से भी इलाज कराए और हमसे कांटेक्ट करें। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको हेल्प कर सकते हैं फी सबीलिल्लाह, एंड प्लस यू कैन आल्सो गो टू अ साइकाइट्रिस्ट और इलाज इंशाल्लाह हील भी परफेक्टली ओके इंशाल्लाह। मैंने मैंने एक ऐसा एक बच्ची का मैंने देखा था, मेरे आंखों देखी बात है कि उसका ऑपरेशन होता, सुइयां थी हाथ में यहाँ पे, ठीक है, एक्सरे में आई, सर्जन ने ऑपरेशन किया, सुइयां निकाल दी, बंद हो गया। 3-4 दिन के बाद फिर सुइयां आ गई, फिर काटा, फिर जितनी बार दवा काटे फिर सुइयां आ जाती थी उसके अंदर। यस, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इट्स अ बिग यूनिवर्स आउट देयर, वी आर नॉट दी ओनली इनहेबिटेंट ऑन दिस प्लैनेट। खुदा की पता नहीं कितनी मखलूक बनाई अल्लाह ने, हम तो बहुत छोटे हैं। अच्छा एक और कॉल लेंगे, इससे पहले मैं आपको बताऊं, इसी तरह का एक एसएमएस मेरे पास और भी आया वहम के हवाले से। उन्होंने कहा जी मैं किसी का झूठा पानी पी नहीं सकती, पता नहीं मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, मैं झूठा पानी नहीं पी सकती। कुछ लोग होते हैं प्लेट में कोई खा रहा होता है, एक निवाला भी वहां से नहीं ले सकते, उन्हें ये वहम होते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। हम बात कर रहे हैं और आज सच बोलने पर आपके बेहतरी, मतलब आपने सच बोला, आपने बताया कि इस वहम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, आपने शेयर किया हमसे, तो हम जीएमपी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी आपको दे रहे हैं। आइए और सच बोलिए। 279 नहीं, हाँ अब तो नंबर भी चेंज हो गया, 4646 4646, नो 279। हाँ आसान ज्यादा है ना, तो इन लोगों के लिए अलग सर्विस ली हमने। एक कॉल लेते हैं और जी, किश्वर की, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी किश्वर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी, प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब मेरा मसला, मेरी भांजी है उसका है, वो फोन कॉल नहीं कर सकी, मुझे फिर करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। उसका वहम इतना बुरा है, यकीन करें, वो 35 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, उसकी छोटी बहन की शादी होगी, उसकी नहीं हो सकी, उसको वहम सिर्फ बटनों से, बटन से जी, जो ये जेंट्स लगाते हैं या टिक बटन हो गए, इन चीजों से है? वो इतनी शदीद नफरत करती है इन चीजों से कि अगर उसके कमरे में कोई जेंट्स चला जाए तो वो उतनी जगह को साफ करती गीले कपड़े से, अगर कोई भूले से उसके बेड पे कोई बैठ गया है तो वो चादर चेंज करेगी, उसको सारा साफ करेगी। और यकीन करो कि वो इतनी वहमन है कि उसकी ये दो ही बहनें, एक बहन की शादी हो चुकी है और उसकी अम्मी इस कदर परेशान है, बेचारी बीमार है, वो शादी नहीं इस चीज से कर सकती। अच्छा मैं अगर इसको जरा से कोई, जैसे बच्चे कोई आ जाए इसके कमरे में या कुछ है, तो उनको ऐसे नफरत देखती है कि या तो तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, कमरे का लॉक रखती है, कमरे में बैठी रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी और कोई घर का काम नहीं करती, कुछ नहीं, बस उसको अजीब सी साइको किस्म की। अच्छा मुझे बताइए, ये जो मेरी बाजी रोती है इनकी, ये कपड़ों पे इतने रिश्ते आए लेकिन शादी नहीं करती क्योंकि उनको इस चीज से लड़ती है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं इससे नफरत करती हूँ और मैं, हेलो, ये जो बटन है कपड़ों पे जो बटन लगते हैं उससे वहम है उनको? ये बचपन से नहीं, बचपन से कि बटन से आपने बचपन से इन चीजों से वहम है कि उनको बटन से, खासतौर से जो टिक बटन होते हैं या ये जो बटन जो मर्दों के, हाँ हम कपड़े में जो बटन लगाते हैं, हाँ। अच्छा अगर बटन बगैर का कोई कपड़ा पहन के जाए फिर इनको प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, मैं बता दूं क्या है जी,
शाइस्ता कभी सोचा था ऐसी चीज़? Oh my God, और ये देखिए इस तरह की अच्छा वो एक SMS भी आया था मुझे कल, किसी ने फ्रेंड ने मेरी बताया कि वो उरूज ने कहा मुझे बताया कि वो एक माँ है उनका जेन्युइन प्रॉब्लम SMS ऐसा आया है और SMS की कॉल आई उनके पास, उसने कहा कि यार मैं मेरी बेटी 25 साल की हो गई है लेकिन अब भी मुझे लगता है वो छोटी सी है और वो जब उठती है तो मुझे लगता है बेड वेट कर दिया होगा उसने, तो मैं साफ करती हूँ तो अजीब उसकी, कहती मेरी अपनी माँ की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है कि माँ मेरी ऐसी बीमारी में, मुझे वो अब तक समझती है, यानी वो इवन कहती है कि कपड़े को निकालो जैसे बच्चे का पैंपर चेंज कराते हैं कुछ करते हैं, तो वो कहती है कि मैं इसका अजीब कसम की। अच्छा ये जो इनको प्रॉब्लम है बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग, ये बटन के साथ है, दिस इज OCD, दिस इज नॉट शिज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका बहुत आसान इलाज है और हो सकता है, जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा इलाज में। दो चीजें, चूंकि बटन का है तो इसका मतलब है बटन बेसिकली इज अ ट्रिगर, बटन जो है वो ट्रिगर करता है एक रिस्पॉन्स को, तो बटन का ताल्लुक कहीं ना कहीं बचपन में किसी बटन के साथ है। अच्छा। तो इसके लिए बेहतरीन चीज होगी दो, एक तो हिप्नोसिस के जरिए इनकी एज रिग्रेशन की जाए, इनको पीछे ले जाया जाए बचपन में जहां ये बटन ने कोई इमोशनल रिस्पॉन्स कॉज किया था। अगर वो हमें मिल जाता है वाकया बचपन का कि जहां बटन का कोई ताल्लुक था बटन की वजह से कोई, और अगर हम उसको रीफ्रेम कर दें तो ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है। और घर का कोई फर्द, इनके घर में कोई रहने वाला, इनकी बेटी या इनकी बहन, बेटी तो नहीं है तो शादीशुदा नहीं है, इनकी छोटी बहन या इनकी मदर रेकी इनको दे मुसलसल, तो इसका बिहेवियर जो एग्रेशन है ना गुस्सा और रिएक्ट करना किसी बटन को देखकर वो काम डाउन हो जाएगा। हाँ, और इसके अलावा एलोपैथिक हेल्प भी आप जरूर, बिल्कुल है, एलोपैथिक हेल्प तो हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। ऐसा चीज नहीं है जिसके ऊपर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज या वो भी बिल्कुल जरूर करें, आप ये थेरेपीज भी करें मगर आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जरूर जाके उस लड़की के लिए, अमूमन अगर ऐसे केसेस होते हैं हम कहते हैं पागल है पागल है पागल रहना, उस लड़की की अभी 35 ईयर्स की है, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। और ऐसा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं OCD में, OCD के अंदर हम लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास रिकमेंड करते हैं, मगर OCD सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होती। OCD में आपको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, ऑल्टरनेटिव नहीं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, ये जो मैं बता रही हूँ कॉम्प्लीमेंट करती है, एलोपैथी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट साथ साथ चलेगी, ठीक है, तो जल्दी इलाज हो जाएगा। क्योंकि होता ही है कि दवाई क्या करती है, आपके थॉट के रिस्पॉन्स को स्लो डाउन करती है, थॉट को खत्म नहीं करती। हम बेसिकली क्या करते हैं कि इधर दवाई ने आपके थॉट को स्लो डाउन किया, हमने इमोशंस को खत्म कर दिया, तो बटन नजर आएगा, इमोशन कोई भी नहीं होगा जो एसोसिएटेड। हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी आपने नॉट ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी यूज किया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी जरूर सबके साथ होनी चाहिए। एक और कॉल लेते हैं जी लास्ट। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब जी, टाइम हो गया है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, मैं बता दूं कि आज हमें ज्यादा से ज्यादा SMS जितने आ रहे हैं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वहम, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं पूरी आपकी चीजें दूर कर दूं कि आपको कैश वाउचर्स मिल रहे हैं 10,000 7,500 और 5,000 तीन सबसे ज्यादा SMS करने वालों को, और वो भी प्रोफेसर मुइज़ के इंस्टीट्यूट की तरफ से। और वो होगा ये कि आप इनकी कोई जो कॉन्फ्रेंस है या आप इनकी वर्कशॉप अटेंड कर सकेंगे, या आप इनकी CDs ले सकेंगे, आप इनके पास जाके फ्री कंसल्टेंसी ले सकेंगे। रेकी के हवाले से बड़ी बात है, ऑल ओवर पाकिस्तान है जी, और रेकी के हवाले से बात हुई वो सीख सकेंगे, आपको खुद किसको देख किस तरह से देनी है, अपने स्पाउस को का वहम कैसे आप शक कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरे ये कि आज सच बोलने पर आपके लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ने एक और गिफ्ट हैम्पर रखा है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वहम हमें बताएं और सच बोलिए कि जिसने आपकी जिंदगी खराब कर दी है, खत्म कर दी है, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं, आपको हम अपनी तरफ से भेजेंगे गिफ्ट हैम्पर और आपको लाइव कॉल पर भी लेंगे। कल का प्रोग्राम आपने जरूर इसलिए देखना है कि कल बहुत सारी ऐसी खवातीन जिन्हें कॉकरोच के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कॉकरोच किलर जो है ताहिरा है ना, इतनी ऐसी इतनी ईमेल आई थी तो हमने कहा यार ये करते हैं, ये कॉकरोच को दुनिया से नहीं घर से खत्म करते हैं। एक काम और करें आपके प्रोग्राम के तवसुल से जो सेलिब्रिटीज है ना हमारे पाकिस्तान के, उनको भी अगर वहम और खौफ की बीमारी हो तो आप इनको बुलाएं और यहाँ बैठ के हम डायरेक्ट उन पे कुछ करके दिखाएं। चले करते हैं, सादिया मामले से फ्लाइंग फोबिया है, उड़ने से बहुत सारे लोग सबको है। अच्छा एक